हे गाइस, वेलकम टू सुपरवर्स। मेरा नाम है गौरव और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्यों स्पाइडरमैन नो वे होम मार्वल की अभी तक बनी सभी सुपर हीरो ट्रिलॉजी में सबसे बेस्ट ट्रिलॉजी है और कैसे नो वे होम की एंडिंग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को इवॉल्व और एक रिस्पॉन्सिबल सुपर हीरो बनाती है जो पिछली दोनों मूवीज में मिसिंग थी, और फ्यूचर में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की स्टोरी किस किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी के लिए स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़े अच्छे खासे स्पॉइलर मिलेंगे। अगर अभी तक मूवी नहीं देखी तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। तो जैसा हम सभी ने नो वे होम के सभी ट्रेलर्स और टीवी स्पॉट में सभी विलन्स को देखा था, जो थे डॉक्टर ऑक्टेवियस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, लिजार्ड और सैंडमैन, और एक और विलन था जो पूरी मूवी सभी ट्रेलर्स में मिसिंग था और वो था वेनम, जिससे ये मूवी स्पाइडरमैन के सिनिस्टर सिक्स बन जाती है। अगर आपको लग रहा है कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इन सभी सुपर विलन से अकेला लड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें पुराने सुपर विलन्स के साथ साथ पुराने स्पाइडरमैन भी अपीयर होते हैं, जो हैं टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड। दोनों ने ही अपने आइकॉनिक स्पाइडरमैन रोल को इस मूवी में रिप्राइज किया है। नो वे होम की एंडिंग अभी तक की बेस्ट ट्रिलॉजी एंडिंग क्यों है, उससे पहले मूवी की एंडिंग के बारे में जानना होगा। तो मैं आप सभी को शॉर्ट में इस मूवी की स्टोरी बता देता हूँ। तो मूवी की स्टोरी वहीं से ही पिकअप करती है जहाँ फार फ्रॉम होम खत्म होती है, जहाँ मिस्टीरियो मरने से पहले पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को रिवील कर देता है। इस रिविलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को पीटर, एमजे, नेड और आंट मे को भुगतना पड़ता है, और फिर पीटर, एमजे और सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन मैट मर्डॉक, एके डेयर डेविल, इन सभी को लीगली बचा लेता है, लेकिन स्पाइडरमैन से कनेक्शन के कारण तीनों का ही एमआईटी का सपना भी टूट जाता है। जिसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, जहां वो उनसे पूरी दुनिया से पीटर पाकर ही स्पाइडरमैन है उसकी आइडेंटिटी को ब्रेन वॉश करने को कहता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और यहां से मूवी अपना पेस पकड़ती है, क्योंकि स्पेल के बीच में ही पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को 5 बार स्पेल को बदलवाता है, क्योंकि पीटर नहीं चाहता कि एमजे, नेट, आंट मे और हैप्पी के साथ जो रिलेशन था वो पूरी तरह खत्म हो जाए और सभी भूल जाए कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन स्पेल के एंड में पीटर ये बोल देता है कि बेसिकली एवरीवन हु न्यू दैट आई वाज स्पाइडरमैन शुड स्टिल नो, और ये वो मोमेंट था जहां स्पेल बहुत ही बुरी तरह मिसफायर या कहीं ब्रेक हो जाता है, और यहीं से ही मल्टीवर्स के दरवाजे खुलने लगते हैं, जिससे पुरानी स्पाइडरमैन के सभी विलन्स टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स में अपीयर होने लगते हैं। जैसे जैसे पीटर का सामना सभी विलन से होता है तो पीटर को रियलाइज होता है कि ये सभी अपनी लाइफ में शुरुआत से बुरे नहीं थे, बल्कि इनका माइंड मैनिपुलेट हो गया था जिसके बाद वे सभी बुरे बने। सभी विलन्स को कैप्चर करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डिसाइड करते हैं कि इन सभी विलन्स को उनके नेटिव यूनिवर्स में वापस भेजा जाए, जहां उनके यूनिवर्स के स्पाइडरमैन उन्हें खत्म कर देंगे, जो उनका फेट भी होता है। लेकिन टॉम डिसाइड करता है कि इन सभी विलन्स को क्योर किया जा सकता है, लेकिन सभी विलन्स में कुछ क्योर नहीं होना चाहते, क्योंकि ये विलन्स हैं जो अपने यूनिवर्स में भी नहीं जाना चाहते, जिसमें ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो और लिजार्ड शामिल थे। लेकिन सिर्फ विलन ही नहीं थे जो स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी को जानते थे, टोबे और एंड्रयू भी थे जो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को जानते थे। और फिर क्या था, तीनों भाइयों का बॉन्ड और उनकी टीम ने मिलकर डिसाइड किया कि सभी विलन्स को क्योर किया जा सकता है, और तीनों मिलकर सभी विलन्स के लिए अलग अलग एंटी सीरम बनाते हैं। और एपिक फाइनल बैटल में जहां तीनों स्पाइडरमैन एक ही फ्रेम में साथ मिलकर सभी सुपर विलन्स का सामना करते हैं, एंड गाइस ट्रस्ट मी, वो मोमेंट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। तो फाइनल बैटल में 1-1 तीनों स्पाइडरमैन सभी विलन्स को क्योर करने में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आखिरी में ग्रीन गॉब्लिन से फाइट करते समय मल्टीवर्स के गेट ओपन हो जाते हैं और सभी यूनिवर्स में जो जो स्पाइडरमैन को जानते थे वो सभी अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज किसी तरह इस स्पेल को ब्रेक होने से रोक कर रखे होते हैं, और उस मोमेंट पीटर को रियलाइज होता है कि ये सब मेरे कारण ही हुआ है। तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बार फिर से उसी स्पेल को कास्ट करने को बोलता है, और इस बार पीटर उन्हें पूरी दुनिया से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को ब्रेन वॉश करने को कहता है, इवन एमजे और नेट को भी। और एमजे और नेट को फाइनल गुड बाय बोलने के बाद पीटर उन दोनों को प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें ढूंढकर सब कुछ बता देगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब पीटर एमजे को देखता है तो वो ऑब्जर्व करता है कि नेट और एमजे दोनों को एमआईटी में एडमिशन मिल गया है और दोनों काफी खुश भी हैं। देन पीटर एमजे के फोरहेड पर बैंडेज को देखता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि दोबारा स्पाइडरमैन से जुड़ने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, जो कॉमिक बुक में होता भी है।
अगर आपने पूरा मोमेंट अच्छे से देखा होगा तो टॉम ने जिस लेवल की एक्टिंग की है वो उसकी आंखों में इजीली दिखाई देती है। वो अपने लव लाइफ को जाने नहीं देना चाहता, लेकिन उसकी खुशी और सेफ्टी के लिए वो एमजे और नेट को उसी टाइम अलविदा कहकर चला जाता है। और अब पीटर पार्कर पूरे वर्ल्ड में पूरी तरह अकेला है। ये सोचना ही काफी डिप्रेसिंग है, लेकिन दोस्तों सुपर हीरो की लाइफ बिना सेक्रीफाइस के पूरी नहीं हो सकती। तो ये थी नो वे होम की स्टोरी। अब बात करते हैं कि आगे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एमसीयू में फ्यूचर क्या होगा। वेल, जितना मुझे समझ आया तो स्पाइडरमैन की स्टोरी अब दो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती है। जहां पहली साइड में स्पाइडरमैन एवेंजर के साथ आगे चलकर उनकी टीम का पार्ट तो होगा, लेकिन कोई भी नहीं जानता होगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, और दूसरा वो अकेला रहकर ही इन सभी सिचुएशंस को फेस करता रहेगा, जो हमने टोबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन में देखा भी है। क्योंकि टोबी मैग्वायर के तीनों स्पाइडरमैन मूवी में सिर्फ कुछ ही जने होते हैं जो जान पाते हैं कि पीटर की असली आइडेंटिटी क्या है, और हो सकता है कि टॉम की अब न्यू जर्नी सेम वैसी ही हो, क्योंकि अब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू में पूरी तरह अकेला है। लेकिन दोस्तों, यहां सोनी और मार्वल टॉम हॉलैंड की न्यू स्टोरी में न्यू कैरेक्टर ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे हैरी ऑसबर्न और ग्वेन स्टेसी, क्योंकि नो वे होम की एंडिंग में पीटर ने अपने सभी दोस्तों को अलविदा कह दिया है। तो हैरी और ग्वेन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करने टॉम की न्यू स्टोरी लाइन को एक न्यू डायरेक्शन में ले जा सकता है, क्योंकि अब वेनम भी पूरी तरह एमसीयू में एंटर कर चुका है। तो ऐसे में सोनी और मार्वल स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को एक और न्यू डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या नो वे होम की एंडिंग बाकी स्पाइडरमैन मूवीज से बेहतर है। वेल, इसका आंसर मेरी नज़र में हाँ होगा, क्योंकि नो वे होम में वो सब था जो एक प्रॉपर हीरो को एक सुपर हीरो बनाता है। क्योंकि मैं सिर्फ टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये मूवी टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड दोनों को एक सॉर्ट ऑफ सेकंड चांस देता है अपनी गलतियों को रिडीम करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं टोबी मैग्वायर की, जो स्पाइडरमैन 1 में नॉर्मन ऑसबर्न को अपने ही ग्लाइडर से मरने से नहीं बचा पाता, लेकिन इस मूवी में वो एंटी सीरम से नॉर्मन ऑसबर्न को पहले जैसा बना देता है। दूसरा, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की बात करें तो उसका लॉस काफी हैवी था, क्योंकि वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन स्टेसी को गिरने से नहीं बचा पाता, जिसके बाद वो काफी रेजफुल हो गया था, जो सॉर्ट ऑफ इविल स्पाइडरमैन बनने की साइड जा रहा था। लेकिन एंडिंग में एंड्रू गारफील्ड बाकी स्पाइडरमैन की मदद से न केवल इलेक्ट्रो और लिजार्ड को क्योर करता है, बल्कि एमजे को गिरने से बचाकर अपने सबसे बड़े गिल्ट को भी रिडीम कर लेता है, जो एंड्रू के स्पाइडरमैन को एक प्रॉपर एंडिंग देता है। लेकिन गाइस, एंड्रू की स्पाइडरमैन की स्टोरी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। फाइनली बात करते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, जो इस मूवी में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस देता है। क्योंकि मूवी के मिड में जब पीटर सबको क्योर करना शुरू करता है, तो ग्रीन गॉब्लिन क्योर होने से मना कर देता है, और इलेक्ट्रो लिजार्ड की मदद से पीटर का अच्छा खासा बुरा हाल कर देता है, और उसी फाइट में आंट मे की डेथ भी हो जाती है, जिसका अंदाजा पीटर को बिल्कुल भी नहीं था। और फाइनली एंड में तो स्पाइडरमैन अभी तक का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस करता है, जहां वो अपने लव और अपने बेस्ट फ्रेंड को अलविदा कहता है, ताकि उनकी लाइफ पर कोई भी खतरा ना आ जाए। और ये वो मोमेंट था जब पीटर को रियलाइज होता है अपनी पावर्स का और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, क्योंकि दोस्तों विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट्स इट गाइस, ये था स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग का ब्रेकडाउन। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, एंड गाइस चैनल को एक न्यू डायरेक्शन ले जाने में आप सभी का सपोर्ट चाहिए, तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो टेक केयर गाइस, सी या।